किसान आगुआ नूं लै के कह लई है दिल्ली बॉर्डर तो दिल्ली संघर्ष नूं लै के अंदोलन नूं लै के वड्डी खबर आ रही। रुतु सिंह बांसा नूं लै के वड्डी खबर है टीकरी बॉर्डर तो इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है। दस दईए कि रुतु सिंह मानसा के कैंप से हमला होया, हमले होने की खबर सामने आ रही है। रुतु सिंह मानसा के कैंप से हमला होया। रुतु सिंह मानसा किसान आगू, हालांकि दो दिन पहला सुरखिया के आए से बयान में लैके 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया पर हाल ही की वड्डी खबर उन्होंने कैंप में लैके है। साफ तौर पर उन्होंने कैंप से हमले की खबर है, हमला होया रुतु सिंह मानसा के कैंप से। इस वेले की वड्डी खबर तुहानू दस रहा टीकरी बॉर्डर तो अण पछातियां दे वल्लों ये हमला किया गया, हालांकि अजे तक पछाण नहीं हुई है। रुतु सिंह मानसा के कैंप से हमले की खबर आ रही है। सुप्रताक दर्शी साढ़े नाल फोन लाइन से मौजूद ने कमलदीप सिंह जी। कमल तौर तो जानना चाहवांगे आखिरकार की कुछ तुसी वेख्या कि कुछ इस वेले की खबर नू लैके जानकारी है। नहीं जी, मैं स्पोक्स पर्सन हां पंजाब किसान यूनियन दा ते तुहाडे पत्रकारां ने सानू संपर्क कीता सीगा। तुहानू दसणे कि ये हमला जिहड़ा होया ये कुछ नौजवान शायद सीगे, तीन चार जणे शायद सीगे, एक मिडल एज बंदा भी सी उहनां दे विचों साजिश चल रही है जिदे ते पिछले दिनों भी रुतु सिंह मानसा उन्होंने प्रधान जी ने मार्क किया साजिशां चल दिया ने लगातार किसान अंदोलन तोड़न दिया। तो ये उही साजिश का हिस्सा है। एक किसान के वड्डी पाउण उन्होंने फुट पैदा करने की किसी कोशिश हैगी है किसी संगठन की, तो इनू समझना पड़ेगा। लेकिन ये लाजमी तौर पर किसान हितैषी नहीं है, ये बाहरों जी की जल्दी कार्रवाई है जिसका मतलब है कि ये कोई ताकतों ने जिहड़ियां RSS वर्गियां ताकतों के हत्थां खेड रही ने उन्हों का ही काम है। कमल जी दे किन्ने इस वेले जिहड़े किसान ने जख्मी ने जिहड़े कैंप च मौजूद सीगे और किस तरह किहड़ियां-किहड़ियां मतलब चीज़ां दे नाल हमला होया हैगा, की कुछ वरत्या गया सीगा, थोड़ा जिहा जानकारी चाहवांगे। उन्हां कोल रवायती हथियार ही सी, कोई फायर आर्म तां नहीं देखा गया, लेकिन अपने आप दे विच है चिंताजनक गल है। आउण वाले टाइम दे विच सानूं साडे आगुआं दी जिहड़ी सुरक्षा है उहदी जरूर चिंता जिहड़ी है उह वध रही है जी। ठीक है कमलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है तुहाडा तमाम जानकारी दे लई।